और फिर जिस बात का डर था वही हुआ। पेंगोंग जाते वक्त रास्ते में इस कैमरे के माइक ने काम करना बंद कर दिया। अब तो मनी हाइस्ट का फोर्थ सीजन भी खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा? 10 to 12 डेज से मैं मनी हाइस्ट ही देख रहा था और उसे देखते देखते उसमें मैं इतना खो गया कि जब वो ख़त्म हुआ तो मुझे लगा शिट ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन इस बात की भी खुशी थी कि मनी हाइस्ट अभी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि उनकी रॉबरी अभी ख़त्म नहीं हुई। मनी हाइस्ट के बाद मैंने और सीजन्स देखने का भी ट्राई किया जो बाकी की सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे है, बट उसके आगे सब फ्लैट लग रहा था। एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। अभी जाना है मुझे मार्केट क्योंकि मेरे घर में सब्जी और फ्रूट्स दोनों ख़त्म हो चुके हैं। एक बार मैं अपनी फ्रिज चेक कर लेता हूँ। टमाटर है और शिमला मिर्च। तो अभी मार्केट चलते हैं और लगे हाथ आपको मार्केट का हाल भी दिखा देता हूँ। आज मुझे मेरे साथ मेरी वीडियो ने मल्लिका ने ज्वाइन किया है। मल्लिका, अगर आप मल्लिका को नहीं जानते हैं तो मल्लिका का भी YouTube चैनल है, एक बार फेस तो दिखा दे। आ गया कोरोना आ गया। रॉक एंड रोल डांस मेनिया मल्लिका का YouTube चैनल है। एक किलो आम दे दो, अच्छे होने चाहिए भैया। ये देखो मार्केट में रश, देखो सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। पिज़्ज़ा बेस, सॉल्ट, मोज़रेला चीज़, तरबूज, इसमें थोड़ी वेजिटेबल्स हैं, मैंगो माय फेवरेट, बनाना। अब ये जितना भी सामान है इसे मैं यहीं छोड़ दूँगा और आज ये यहीं पे रहेगा, कल इसे मैं फ्रिज में रखूंगा ताकि इसमें अगर कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो तो वो ख़त्म हो जाए। बाहर से आगे हमने कपड़े चेंज कर लिए, मुंह हाथ धो लिए, अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। काफ़ी टाइम से कुछ गंदा नहीं खाया। मल्लिका कौन सा पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम? अनियन कैप्सिकम और टमाटो विद कॉर्न्स पिज़्ज़ा। कॉर्न्स पिज़्ज़ा। हमने कभी घर में पिज़्ज़ा बनाना ट्राई नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग। देखो कैसा बनता है पिज्जा। हमारा अंदर जा चुका है, अब देखो बन के बाहर कैसा आता है। वेटिंग फॉर पिज्जा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे पास इसको काटने के लिए नाइफ नहीं है ना? वो नहीं है। चलो मैं इसको वैसे नाइफ से काट दूंगा। पिज्जा नाइफ होती है इसके लिए स्पेशली? कोई बात नहीं, विद पिज्जा नाइफ भी नहीं होती, हम तो वैसे भी खा जाते हैं इसको। पिज़्ज़ा खाने का टाइम हो गया, मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि ये कैसा बना है। अगर आपको पिज़्ज़ा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखना है तो आप मल्लिका के चैनल पर जाके देख सकते हो। मल्लिका का चैनल मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इट्स रॉक एंड रोल डांस मेनिया। जो पिज़्ज़ा खाने के लिए मार्केट में 400 to 500 rupees खर्च कर देते हैं, मुझे लगता है कि इसकी कॉस्ट घर में बनाने में 100 rupees भी आई होगी। क्यों? पिज़्ज़ा बेस 35 rupees का था जिसमें दो पिज़्ज़ा बेस थे और बाकी वेजिटेबल्स। हाँ, फर्स्ट टाइम कॉस्ट ज़्यादा आएगी क्योंकि आपको ऑरिगैनो भी लाने पड़ेंगे, चिली फ्लेक्स भी लाने पड़ेंगे, पिज़्ज़ा सॉस भी लानी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करें कि कितना आपने किस चीज़ का वॉल्यूम डाला है तो मुझे ही लगता है कि 100 से भी ज़्यादा इसकी कॉस्ट आई होगी। और दिल्ली में मौसम खराब होने लगा है, कुछ तो हो रहा है। मुझे लगता है हमें नीचे चलना चाहिए। मेरी आंखों में
में मिट्टी मिट्टी हो गई है, सर में भी मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। पिज़्ज़ा बनाने के बाद हम दोनों का कॉफ़ी पीने का मन करा, मैं दूध लेने के लिए नीचे गया, जैसे नीचे गया झमाझम बारिश शुरू हो गई। एक बात तो है दिल्ली में, अब जैसे ही गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है बारिश हो जाती है, तो मौसम अभी न्यूट्रल बना हुआ है। दूध मैं ले आया हूँ, पैकेट मैंने किचन में ही रखे हुए हैं, पहले मैं उन्हें वॉश करूँगा बिकॉज सेफ्टी इज़ फर्स्ट। अभी ये कपड़े भी मुझे दोबारा चेंज करने पड़ेंगे, पता नहीं कितनी बार दिन में कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। पिज़्ज़ा खा लिया, कॉफ़ी पी ली, नहा भी लिया और अब मैं देख रहा हूँ अपनी YouTube पे लद्दाख सीरीज़। जब भी मैं अपने ट्रैवल प्लान को मिस करता हूँ तो मैं YouTube पे अपनी लद्दाख सीरीज़ को देख लेता हूँ। इससे होता कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेमोरीज़ जो हैं वो थोड़ी ताज़ा हो जाती हैं और अच्छा लगता है। लद्दाख मेरा फर्स्ट व्लॉगिंग एक्सपीरियंस था, मैंने शायद ही कभी अपने कैमरे से अपनी खुद की सेल्फी भी ली हो, और ऐसे इंसान के लिए कैमरा उठा के खुद की वीडियो बनाना इट वॉज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी। कई बार मुझे लगा कि रहने देता हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स लाइक रोहित, तरुण, आत्या और मलिका, इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि शायद अगर ये लोग ना होते तो मैं अपना व्लॉग बना ही नहीं पाता। व्लॉग बनाने में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सारे सवाल थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि पहली बार बना रहा था और क्या गैजेट्स क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मुझे इतने अच्छे से पता नहीं था। इस 15 डेज़ के लॉन्ग ट्रिप की सारी तैयारियां मैं कर चुका था, हेलमेट सेटअप में बना चुका था, एक्शन कैम में ले चुका था, और फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर तेरा एक्शन कैम इस 15 दिन के ट्रिप में अगर तीसरे चौथे या पाँचवें दिन ख़राब हो जाता है तो तू क्या करेगा। इतनी सारी तैयारी, इतनी सारी प्लानिंग सब हो चुकी थी, बट एक्शन कैम खराब होने की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता। फिर मैंने सोचा कि एक सब्स्टिट्यूट एक्शन कैमरा ले लेता हूँ, अगर मान लो मेरा मेन कैमरा खराब हो जाता है तो एटलीस्ट मैं अपने ट्रिप को रिकॉर्ड कर सकता हूँ और अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैंने OLX पर सर्च किया और ये सेकेंड हैंड एक्शन कैम लिया, GoPro Hero 4 Black, और फिर जिस बात का डर था वही हुआ। पेंगोंग जाते वक्त रास्ते में इस कैमरे के माइक ने काम करना बंद कर दिया, और इस कैमरे में जहाँ से माइक लगता है वहीं से इसकी बैटरी भी चार्ज होती है, तो अगर माइक ने काम करना बंद कर दिया तो ऑब्वियसली बैटरी भी चार्ज होनी बंद हो जाएगी। कैमरा चल रहा था बट आई वॉज टोटली अनअवेयर कि इसका माइक काम करना बंद कर गया है और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा। वो कौन सा पॉइंट था मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो लुक फ्रॉम हियर और रास्ते आप देख ही लो कैसे हैं, जिसने भी बनाए लुकुंग इज 19। विंड ब्लास्ट यहाँ पे काफ़ी तेज़ है, लिटरली बाइक को हिला देता है। बाइक में अगर पैनियर्स लगे होते हैं तो क्रॉस विंड नहीं हो पाती है, तो इसी रीज़न से बाइक थोड़ी हिलती है। पेंगोंग जाते वक्त मैंने और भी वीडियो शूट करी थी जो वॉइस क्वालिटी की वजह से ऑब्वियसली मुझे हटानी पड़ी। पेंगोंग पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे जब मैं उठा और मैंने इसे चार्ज किया तो मुझे पता चला कि ये चार्ज ही नहीं हो रहा है, और फिर मेरे काम आया मेरा मेन कैम हीरो 7, और बाकी का जो ट्रिप कंटिन्यू किया मैंने वो इसी से रिकॉर्ड किया। बट इसका मेरे पास माइक अडेप्टर उस टाइम पे नहीं था, जब भी मैं रिकॉर्ड करता था या कुछ बोलता था तो मुझे अपनी बाइक की स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ता था ताकि इसका जो एक्सटर्नल माइक है वो आवाज़ को कैच कर सके। खुद आइडिया लगा सकते हो कि मेरे पास अगर सब्स्टिट्यूट कैमरा नहीं होता तो मेरे ट्रिप का क्या होता या मेरे व्लॉगिंग का क्या होता। और एक्शन कैम ऐसी चीज़ है कि उसका सब्स्टिट्यूट कोई और कैमरा हो ही नहीं सकता। अब सपोज़ मान लो मेरे हेलमेट में ये कैमरा मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अब मैं इस जगह पे मोबाइल तो लगा नहीं सकता, ट्रैवल वीडियोस अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो वो मोबाइल से भी व्लॉग कर लेगा, लेकिन एक्शन कैम हेलमेट में जहाँ लगता है वहाँ मोबाइल नहीं लग सकता। तो मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया और एक सब्स्टिट्यूट कैमरा कैरी किया साथ में, जिससे मेरा ट्रिप अच्छे से रिकॉर्ड हो पाया। वापस आने के बाद इस कैमरे को मैंने कई जगह दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ ऑप्शंस भी दिए, बट मैंने यही चूज़ किया कि मैं इसका पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करा दूंगा, क्योंकि ये USA का प्रोडक्ट है, इसका मदरबोर्ड जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये बाहर से ही मंगाना पड़ता है, उसे आने में भी काफ़ी टाइम लग गया, जिस रीज़न से मेरे कई ट्रैवल प्लान कैंसिल भी हुए। क्योंकि जैसा मेरे साथ लद्दाख ट्रिप पे हुआ ऐसा किसी और ट्रिप पे भी हो सकता था, और मैं वो चांसेस लेने के लिए रेडी नहीं था। और जब मेरा कैमरा ठीक हो गया एंड आई वॉज़ रेडी फॉर ट्रैवल तो ये लॉकडाउन हो गया।
अब अगर आज इंडिया में कोरोना केसेस की बात करते हैं तो इंडिया में भी केसेस हैं कोरोना के 88,506। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडिया में कोरोना के केसेस 1 लाख अप्रॉक्स हो जाएंगे। अब अगर जिस तरह से ये नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज इंडिया में 2,650 न्यू केसेस आए हैं कोरोना के, तो मुझे लगता है ये इजीली 1 लाख को टच कर जाएगा। कोरोना के केसेस को देखते हुए मुझे लगता नहीं कि अभी जल्दी से कोई ट्रेवल प्लान बन पाएगा। आई होप सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, हम लोग बिजनेस कर पाएँ, लाइफ एंजॉय कर पाएँ और पहले की तरह ट्रेवल कर पाएँ। इसी नोट पे इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो, लाइक करते हो और मुझे बताते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब। मैं तो ऑब्वियसली 40-50 डेज के बाद घर से बाहर निकला हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था कि सड़क पर काफ़ी लोगों का आना जाना अभी चालू है और वाइन शॉप के आगे लाइन लगी हुई है।